दोस्तों, आज जो है हम इलायची के पौधे अपने घर पर किस तरह से उगाया जाता है इसका पूरा डिटेल जानकारी देंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस तरह से इलायची को निकालना है। निकालने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा इलायची कौन खराब है और कौन बढ़िया है। ये आपको ये भी बताएंगे जो इलायची खराब रहता है उसे हम पहचान कैसे करें। तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों, कभी भी इलायची का पौधा आप बीज से उगाना चाहते हैं तो हमेशा आप इलायची का जो साइज है सबसे बड़ा लीजिए, जो बाहर से नजर आए। इस तरह से हमारा इलायची जो बाहर से नजर आ रहा है बिल्कुल इस तरह हमें लेना है। तो हम इसे छील लेते हैं। छीलने के बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों, इसे छीलने के बाद क्या करना है, हाथों से इसे मसलना है। इस तरह से मसलने से हमारा जो इलायची का कवर होता है वाइट वाइट वो हट जाए। इस तरह से बिल्कुल इस तरह से हमें क्रश करना है हाथों से। इस तरह से करने के बाद अब हमें क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल पानी से इसे हमें धोना है। इस तरह से अच्छा से धो लें इलायची, एकदम साफ कर लें। साफ करने के बाद इलायची का पानी हम यहाँ निकाल देते हैं। और एक बात आपको बता रहे हैं, जो इलायची खराब है वो हमारा उबल गया है, जो इलायची बढ़िया है वो नीचे बैठा हुआ है। तो ये जो ऊपर का भाग का इलायची है सारा हमारा गिर जाएगा इसमें, और जो इलायची बढ़िया है जिसमें बीज है हमारा वो अच्छा है। तो फिर से एक पानी से और धो लेते हैं। यहाँ पर धोने के बाद फिर से हम गिरा लेते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अच्छे से पानी निकालने के बाद इसमें हमें लेना है नाइट्रिक एसिड, जो हमने ये नर्सरी वाला से मांग कर लाए हैं, जो वो भी ये बीज को इसी तरह से उगाता है। तो इसे हम डाल दिए। डालने के बाद हमें छोड़ना है इसे, कम से कम अभी हम डाले हैं तो इसे दो दिन के लिए हमें छोड़ देना है, इसमें आराम से ये फूलने देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा दो दिन हो चुका है और ये पानी आपका चमड़ा में टच नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सावधानी से इस छन्नी के मदद से हमें इसमें इस पानी को निकाल देना है और ये पानी आप नाला में फेंक दें। अब हमें क्या करना है, ये साफ पानी से फिर से हम धो लेंगे। धोने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से अच्छा से हमें फिर से चलाना है। चलाने के बाद कम से कम हमें इसे दो बार अच्छा से धो लें। यदि आपको हाइड्रोजन का पानी मिले तो उससे धो लें, पर ये हम नॉर्मल पानी से धो रहे हैं। धोने के बाद ये पानी को आराम से इसमें निकाल दें। अब ये इलायची का बीज हम छुएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम अच्छा से इसे धो लिए हैं। धोने के बाद आपको करना क्या है, आपको लेना है इस तरह का टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को इस पर इलायची को डालना है, इस तरह से डाल लिए। डालने के बाद क्या करना है, इसमें फैलाना है इस तरह से। फैलाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से मोड़ के और कोई भी प्लास्टिक में, इस तरह का प्लास्टिक में हमें इसे डालना है। अच्छा से इसमें डाल दिए, इस प्लास्टिक में डालने के बाद इसमें हवा भरना है। हवा भरने के बाद इसे क्या करना है, हमें इस तरह से मोड़कर इसे हमें 10 दिन के लिए इस जगह में रखना है, जहां आप छाया वाला जगह, जहां हवा आता जाता हो, ठंडा जगह हो, क्योंकि इलायची जहाँ पूरा पानी पड़ता हो, पूरा ठंडी जगह हो, इलायची उसी जगह में बहुत ही अच्छा होता है। तो हमें इसे ठंडी जगह में 10 दिन के लिए रखना है। तो दोस्तों, इसे तो हम रख देंगे, इससे पहले जो हम बना कर रखे हुए हैं इसमें हमारा 10 दिन हो चुका है। और 10 दिन होने के बाद हम इसे निकालते हैं, इसे भी हम टिश्यू पेपर में ही किए थे। और अच्छा से अब इसमें देखते हैं हमारा
ये बीज अच्छा से फूला है कि नहीं, क्योंकि बीज जो इलायची का होता है बहुत ही हार्ड होता है और हर कोई ये वीडियो बनाते हैं कि हम इलायची से पौधा को उगाते हैं, तो इतना प्रोसेस करने के बाद ही इच्छा से इलायची हमारा एक भी इलायची मिस नहीं खाएगा। तो इसे लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से रखकर इसमें हमें अच्छा से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसमें आप देखे बहुत ही अच्छा से इसमें हमारा इलायची बहुत ही बड़ा बड़ा हो चुका है। अब इसे क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ लिए हैं हम पत्ता, हर वीडियो जो भी हम गमला में पौधा लगाते हैं तो सूखा हुआ पत्ता का इस्तेमाल जरूर करते हैं, क्योंकि इससे हमारा पानी जो है आराम से निकल जाता है, पानी रुकता नहीं है। अब इसमें हम जो लेंगे, यहाँ लेंगे रेत और बिल्कुल थोड़ा सा मिट्टी, बिल्कुल थोड़ा सा मिट्टी, तो हम इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद आप चाहें तो मिट्टी ना भी मिलाएं, पर हम मिट्टी मिला दिए इसमें इस तरह से। अब थोड़ा इसमें हम पानी डाल देते हैं, आराम से देख सकते हैं हमारा पानी जो है नीचे चला गया। अब हमें क्या करना है, इस इलायची को किस तरह लगाना है वो देखें। जो भी इलायची हमारा बड़ा बड़ा है तो टिश्यू पेपर से निकाल कर आपको रखना है इस तरह से, आपको खुद दबाना नहीं है, बिल्कुल अलग अलग रखें ताकि आपका इलायची अच्छा से उग पाए इस तरह से। तो ये हम डाल दिए, अब हम डालेंगे इसके ऊपर फिर से हल्का सा रेत। डालने के बाद फिर से थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। अब आपको बताते हैं, इसे हमें इसका पानी बिल्कुल सूखने नहीं देना है, क्योंकि जो अभी हम मौसम में लगा रहे हैं तो हवा से भी पानी हमारा सूखता है। इसे रखना है छाया वाला जगह में, यदि आपके पास ढेर सारे पेड़ है तो उसके बीच में इसे घुसा कर रखें और डेली पानी का फुहारा इसमें डालें, यानी कि मारें। मेरा लैंग्वेज आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो आपको बता रहे हैं, पानी इसमें डालें, तो डालने से हमारा क्या होगा, पानी नमी रहेगा, इससे पौधा जो है हमारा बिल्कुल आसानी से निकलेगा। निकलेगा कितना दिन में, तो बिल्कुल 2 से 2.5 महीना के अंदर ही ये हमारा इलायची का पौधा निकलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों 2 से 2.5 महीना के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारा इलायची है, बहुत ही प्रयास और बहुत ही मेहनत से ये हम इलायची को अपने घर पर, वो भी पूरा जो है ये बीज द्वारा उगाए हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमारा छोटा छोटा प्लांट आया हुआ है और ये 2 प्लांट जो है ये हमारा बड़ा बड़ा है। इसका बड़ा होने का कारण है इसका बीज जो है हेल्दी है, और ये सब जो छोटा छोटा उगा हुआ है ये सब भी बिल्कुल इसी का तरह हो जाएगा। जब ये पौधा हमारा खूब बड़ा हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे कि ये इलायची का पौधा अपने घर पर लगाना बिल्कुल आसान है, पर इसे आपको, ये मेरा 80 दिन का मेहनत का ये फल है। इसे हम प्रतिरोज पानी का फुहारा मारते थे, इसे हम मग द्वारा पानी नहीं डालते थे, और इसका जो मिट्टी है हमेशा नम रखते थे, जैसे कि हाथ में आप ऐसे किए तो आपका हाथ में नमी आ जाए, उस तरह से इसे रखे हैं। आपको ये मालूम होगा या नहीं होगा, ये इलायची बरसात के सीजन में बहुत ही अच्छा इसमें ग्रोथ बढ़ता है, ये नए नए अपने बच्चे को देते हैं, यानी कि बगल से भी हमारा आप देख सकते हैं, ये छोटा ही प्लांट है पर इसका बगल से हमारा रूट निकल रहा है। तो इस तरह से आप देखभाल करेंगे तो बिल्कुल बीज द्वारा से आप इलायची के पौधा को उगा सकते हैं। दोस्तों इस बीज में हमें बहुत ही मेहनत लगा है, तो आपको हमारा वीडियो इस तरह का पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।